सुकैम सोलर कॉन एक लोकल सोलर चार्ज कंट्रोलर के मुकाबले कहीं ज्यादा स्मार्ट और एफिशिएंट है। सोलर कॉन की मदद से आप अपने घर में लगे एक नॉर्मल इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर में बदल सकते हैं, जिससे कि आपको अलग से सोलर इन्वर्टर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डिवाइस 1224 वोल्ट 20 एम्पियर की रेटिंग के साथ मार्केट में अवेलेबल है। इस सिस्टम की खास बात यह है कि एक ही डिवाइस 12 वोल्ट के सिस्टम के साथ और 24 वोल्ट के सिस्टम के साथ भी इंस्टॉल हो सकता है, यानी कि अगर आपके घर में एक सिंगल बैटरी वाला इन्वर्टर इंस्टॉल्ड है या डबल बैटरी वाला, सोलर कॉन दोनों ही सिस्टम को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेता है। ऐसा करने के लिए आपको स्विच या दूसरा और कोई ऑप्शन चूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोलर कॉन की रेटिंग 20 एम्पियर होने की वजह से अगर आपने सोलर कॉन को एक 12 वोल्ट के सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया है तो मैक्सिमम 360 वॉट के पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी 120 वॉट के तीन पैनल पैरेलल कनेक्शन में, जो लगभग 20 एम्पियर का करंट जनरेट करेगा। और इसी सिस्टम को 24 वोल्ट इन्वर्टर के साथ इंस्टॉल करने के लिए 600 वॉट 24 वोल्ट के सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी 200 वॉट 24 वोल्ट के तीन पैनल्स या 300 वॉट 24 वोल्ट के दो पैनल्स पैरेलल कनेक्शन में, जो लगभग 20 एम्पियर का करंट जनरेट करेगा। एक 12 वोल्ट या 24 वोल्ट का सोलर पैनल कितना करंट जनरेट करेगा, ये जानने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, P=V×I। अब अगर हम एक 12 वोल्ट सोलर पैनल की बात करें तो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 17 वोल्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे 120 वॉट 12 वोल्ट सोलर पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज 17 वोल्ट की होगी, यानी यहाँ P की वैल्यू 120 वॉट है और V की वैल्यू 17 वोल्ट है। अगर इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सेट करें तो एक 120 वॉट का सोलर पैनल मैक्सिमम कितना करंट जनरेट करेगा ये पता लग जाएगा, जो आप यहां देख सकते हैं लगभग 7 एम्पियर्स है। यानी कि अगर हम 120 वॉट के तीन पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें लगभग 20 एम्पियर का करंट मिलेगा। ठीक ऐसे ही हम 24 वोल्ट के सिस्टम की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 200 वॉट 24 वोल्ट सोलर पैनल्स सोलर कॉन के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज 34 वोल्ट की होगी। अगर इन वैल्यूज को हम इस फॉर्मूला में सेट करें तो एक 200 वॉट का सोलर पैनल मैक्सिमम कितना करंट जनरेट करेगा ये पता लग जाएगा, जो आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 5.8 एम्पियर है। यानी कि अगर हम 200 वॉट के तीन पैनल्स पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो लगभग 18 एम्पियर्स करंट इन सोलर पैनल से मिलेगा। इसके साथ साथ सोलर कॉन में एक बहुत खास फीचर है, पीवी हाई करंट और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन। जैसे हमने पहले बताया था, सोलर कॉन की रेटिंग 1224 वोल्ट 20 एम्पियर की है, यानी कि अगर आपने अपने सोलर कॉन के साथ एक डिफाइंड लिमिट से ज्यादा पैनल्स इंस्टॉल कर दिए या जो पैनल्स आपने इंस्टॉल किए हैं वो 30 एम्पियर से ज्यादा करंट जनरेट कर रहा है, तो सोलर कॉन में ये प्रोटेक्शन फीचर एक्टिव हो जाएगा और पूरे सिस्टम के सेफ्टी के लिए ये फंक्शन सोलर कॉन को ऑफ कर देता है। पीवी हाई करंट के केस में ये वैल्यू 30 एम्पियर है। अगर सोलर पैनल से 30 एम्पियर से ज्यादा करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो सोलर कॉन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और इसके एलसीडी स्क्रीन पे पीवी हाई करंट का मैसेज डिस्प्ले रहता है। इसी दौरान सोलर कॉन बैटरी को चार्ज नहीं कर पाता और लोड इसके साथ लगे इन्वर्टर से बैकअप मोड पे चलता है। करीब 3.5 मिनट्स के बाद सोलर कॉन पीवी करंट को चेक करता है। अगर सोलर से मिलने वाला करंट 30 एम्पियर से कम हो गया है तो सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है और बैटरी भी सोलर पावर से चार्ज होने लगती है। अगर 3.5 मिनट्स के बाद भी पीवी हाई की कंडीशन बनी रही तो सोलर कॉन दोबारा नॉर्मल कंडीशन में वर्क करने की कोशिश हर 3.5 मिनट्स के बाद करता रहता है और जैसे ही पीवी करंट 30 एम्पियर से कम हो जाता है इसकी नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है। यही फीचर हमें सोलर कॉन में पीवी हाई वोल्टेज के दौरान भी देखने को मिलता है। अगर आपने सोलर कॉन के साथ 12 वोल्ट के सिस्टम इंस्टॉल किया है तो जाहिर है इसमें लगे पैनल्स भी 12 वोल्ट की ही होंगे और हमने ये पहले ही डिस्कस कर लिया था कि एक 12 वोल्ट के सोलर पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज 17 वोल्ट की होती है। पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां सोलर पैनल की वोल्टेज 17 वोल्ट से बढ़कर 30 वोल्ट पहुंच जाए
तो सोलर कॉन में लगे पीवी हाई वोल्टेज की प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाती है और सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग बंद हो जाती है। स्क्रीन पे पीवी हाई वोल्टेज का मैसेज शो होता है और बैटरी की चार्जिंग भी बंद रहती है। सोलर कॉन के साथ लगे इन्वर्टर लोड को बैटरी से रन करना शुरू कर देगा। इस कंडीशन में सोलर कॉन पीवी वोल्टेज के कम होने की वेट करता है। जब तक पीवी वोल्टेज 30 वोल्ट से कम होकर 25 वोल्ट नहीं पहुंच जाती, तब तक पीवी हाई वोल्टेज की कंडीशन बनी रहती है। जैसे ही पीवी वोल्टेज 25 वोल्ट या उससे कम होता है, सोलर कॉन की नॉर्मल वर्किंग शुरू हो जाती है। अगर आपने सोलर कॉन को एक 24 वोल्ट सिस्टम के साथ इंस्टॉल किया है, तो इस केस में पैनल की मैक्सिमम वोल्टेज 34 वोल्ट की होती है। अगर यही वोल्टेज बढ़कर 60 वोल्ट हो जाए, तो एक 24 वोल्ट सिस्टम में हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन फीचर एक्टिवेट हो जाता है और इस कंडीशन में सोलर कॉन की नॉर्मल वर्किंग तब शुरू होती है जब पीवी वोल्टेज 50 वोल्ट या उससे कम हो। ये हाई वोल्टेज और करंट के प्रोटेक्शन फीचर्स सोलर कॉन को बाकी सोलर चार्ज कंट्रोलर से काफी अलग बना देता है, क्योंकि इस फीचर के ना होने से सिस्टम के साथ लगे बैटरी पे काफी बुरा असर होता है। और जिस बैटरी की लाइफ लगभग 3 साल की होती है, वो एक नॉर्मल सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाने की वजह से 6 महीने या उससे भी कम टाइम में खराब हो जाती है। इसके साथ साथ सोलर कॉन के फ्रंट पैनल पे LCD डिस्प्ले और 4 कंट्रोल कीज प्रोवाइडेड है, जिनके हेल्प से हम सेविंग्स वैल्यू को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए हम पहले स्विच को प्रेस करेंगे, जो कि है एंटर स्विच। एंटर स्विच प्रेस करने के बाद डिस्प्ले पे पैरामीटर सेट का मैसेज शो होगा। उसके बाद हम फिर से एंटर स्विच को प्रेस करेंगे, जिससे डिस्प्ले पे रीसेट रुपीस का मैसेज शो होगा। इसके बाद हम फिर से एंटर स्विच को प्रेस करेंगे, जिससे डिस्प्ले पे रीसेट डन का मैसेज शो होगा। इस तरह हम रुपीस सेविंग्स को रीसेट करके अपनी सेविंग्स की एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोलर कॉन के डिस्प्ले पे सोलर कॉन से कनेक्टेड बैटरी की वोल्टेज और टाइप, यानी कि बैटरी LA टाइप की है या ट्यूबुलर टाइप की, सोलर पैनल से आने वाली PV वोल्टेज, सोलर चार्ज ऑन और ऑफ, मेंस कनेक्टेड और मेंस फेल जैसे मैसेजेस भी देख सकते हैं। सोलर कॉन की साइड पैनल पे एक डिप स्विच प्रोवाइडेड है। डिप स्विच में 6 स्विचेस हैं। करंटली स्विच 1, 3 और 4 फ्री हैं और इनका कोई यूज नहीं है। स्विच नंबर 2 से आप सोलर कॉन से कनेक्टेड बैटरी टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। LA बैटरी चूज करने के लिए आपको स्विच नंबर 2 को हाई पे रखना होगा और ट्यूबुलर बैटरी सेलेक्ट करने के लिए स्विच नंबर 2 को लो पे रखेंगे। डिप स्विच 5 और 6 की हेल्प से आप सोलर कॉन में मेंस की एंट्री कब होगी, ये खुद डिसाइड कर सकते हैं। आसान शब्दों में, अगर आपने स्विच नंबर 5 को हाई पे रखा है और स्विच नंबर 6 को लो पे रखा है, तो बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट सेट हो जाएगी। यानी कि जैसे ही आपकी बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट पे आएगी, तो मेंस की कनेक्टिविटी सोलर कॉन से हो जाएगी और बैटरी मेंस से इन्वर्टर के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगी। जिन जगहों पे पावर कट्स की प्रॉब्लम है, वहां बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट पे सेट होनी चाहिए, ताकि जैसे ही बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट पे पहुंचे और बैटरी को चार्ज करने के लिए मेंस या सोलर अवेलेबल ना हो, तो बैटरी में लोड चलाने के लिए काफी बैकअप बची रहे। अगर डिप स्विच 5 और 6 को आपने हाई पे रखा है, तो बैटरी वोल्टेज 11.4 वोल्ट पे सेट हो जाएगी। जिन जगहों पे पावर कट्स की प्रॉब्लम नहीं है, वहां 11.4 वोल्ट की बैटरी वोल्टेज सेट करके आप मेंस को मिनिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे लोड ज्यादातर सोलर से चार्ज बैटरी से चलेगी और बिजली के बिल की मैक्सिमम सेविंग्स होंगी। ऐसे ही आप अपने बैटरी वोल्टेज को 11.8 वोल्ट और 12.2 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं। 11.8 वोल्ट के लिए स्विच नंबर 5 को लो पे रखेंगे और स्विच नंबर 6 को हाई पे रखेंगे। 12.2 वोल्ट के लिए दोनों स्विच नंबर 5 और 6 को लो पे रखेंगे। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि सोलर कॉन के 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के साथ आप कितने नंबर ऑफ सोलर पैनल्स और कितने बैटरीज कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम सोलर कॉन के वर्किंग को समझते हैं। पहला केस है जब सोलर कॉन में सिर्फ सोलर अवेलेबल है। इस कंडीशन में सोलर कॉन सोलर पावर से बैटरी चार्ज करेगा और लोड इन्वर्टर के थ्रू बैटरी से रन होगा। यानी कि अगर आपने 360 वॉट के सोलर पैनल सोलर कॉन से कनेक्ट कर रखा है, तो सोलर कॉन बैटरी को मैक्सिमम 15 एम्पीयर से चार्ज करेगा। अब हम दूसरा केस समझते हैं,
जैसे कि आप जानते हैं, सोलरकॉन एक ऐसा यूनिक सोलर चार्ज कंट्रोलर है जिससे आप मेंस की एंट्री और एग्जिट खुद कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमने अभी समझा है, सोलरकॉन के साइड पैनल पे एक डिप स्विच प्रोवाइडेड है जिससे हम ये चूज कर सकते हैं कि मेंस की कनेक्टिविटी सोलरकॉन से कब होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने डिप स्विच की हेल्प से बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट सेलेक्ट कर रखी है, तो जैसे ही बैटरी वोल्टेज 13 वोल्ट होगी तो मेन सोलरकॉन के थ्रू इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगी और इन्वर्टर से बैटरी चार्जिंग शुरू हो जाएगी और लोड बाईपास पे चलेगा।